नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। चीन के उइगरों का मसला लंबे वक्त से अंतरराष्ट्रीय चर्चा का विषय बना हुआ है। खासतौर से अमेरिका, तुर्की, ब्रिटेन और फ्रांस ने इसको काफी हवा दी है। चीन की हालत इस मसले पर रक्षात्मक रही है, मगर उससे भी बड़ा अचंबा पाकिस्तानी पीएम इमरान के बयानों को लेकर हुआ है, जिन्होंने उइगरों को लेकर कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे उसके मुस्लिम लीडर होने का एहसास हो। पर इसमें चौंकाने वाली बात कुछ भी नहीं है। चीन पाकिस्तान का गहरा याराना है, जो चीन की विस्तारवादी सोच पर टिका है। चौंकाने वाली बात यही है कि चीन उइगर मुस्लिमों को लेकर एकाएक आक्रामक कैसे हो गया। कम्युनिस्ट सरकार के सामने उइगर कैसे बड़ी मुसीबत बन गए। क्यों आज चीनी प्रशासन का अमला उइगरों को मिटाने पर तुला हुआ है। कमाल की बात यह है कि भारत भी उइगर मुद्दे पर नहीं बोलकर एक प्रकार से चीन का समर्थन कर रहा है। दरअसल इस्लाम को मानने वाले उइगर समुदाय के लोग चीन के सबसे बड़े और पश्चिमी क्षेत्र शिनजियांग में रहते हैं। इस प्रांत की सीमा मंगोलिया और रूस सहित 8 देशों के साथ मिलती है। तुर्क मूल के उइगर मुसलमानों की इस क्षेत्र में आबादी 1 करोड़ से ऊपर है। पर मामला यहां पर तब बिगड़ा जब कुछ बौद्धों ने यहां पर बसना शुरू कर दिया। इससे उइगर भड़क गए। उन्हें यह बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ कि जिसे इस्लाम काफिर कहता है वह इनके बीच आकर बस जाए। इसी दौरान 1990 में सोवियत संघ का पतन हुआ तो उइगर मुस्लिम ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट आंदोलन उभर कर सामने आया। इन्होंने भारी संख्या में बौद्धों और यहां तक तिब्बतियों को मिटा डाला। इन लोगों ने इस्लाम की उसी नीति का अनुसरण किया जिसमें गैर मुस्लिमों का इनकी विचारधारा में प्रवेश वर्जित है। वर्ष 2008 में शिनजियांग की राजधानी उरुमची के उत्पात में उइगरों ने 200 से ज्यादा चीनी बौद्धों को निपटा डाला। उसके बाद 2009, 2010 और 2012 में भी उइगरों ने अपना इस्लामिक रंग दिखाया और बड़ी संख्या में चीनियों को काटा गया। बड़ी बात यह है कि साल 2012 में ही उइगरों ने उरुमची जा रहे एक एयरक्राफ्ट को हाईजैक करने का प्रयास भी किया। इसका मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने जिन उइगरों को फरिश्ता बनाकर पेश किया उनमें और इस्लामिक देशों के कट्टरपंथियों में कोई फर्क नहीं है। बड़ी बात यह है कि इन उइगरों के सभी बड़े नेता विदेशों में रहते हैं। इनमें ऐसे ही एक नेता है लेम टोती, जो सीधे सीधे शिनजियांग देश के नए बनने तक संघर्ष की बात करते हैं। यानी जैसे ही यह कौम किसी देश या शहर में बहुसंख्यक होती है वहां इनका व्यवहार एक समान होता है, बेशक वह चीन हो या फिर भारत। दगाबाजिया इनके ब्लड में समाहित है। पर मामला यहां तक नहीं है, असली कहानी इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है। जो पाकिस्तान आज खुलकर उइगरों पर नहीं बोल रहा है उनके पीछे असली खिलाड़ी पाकिस्तान और तुर्की ही है। उइगरों के तुर्क मूल के होने के कारण तुर्की उनका समर्थन करता रहा है, जबकि धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए उइगर पाकिस्तानी मदरसों में आते हैं। शिनजियांग प्रांत पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है, इस वजह से भी उइगरों के लिए इस्लामी मुल्क पाकिस्तान ज्यादा मुफीद है। खास बात यह है कि उइगरों द्वारा चीन में जितने उत्पात हुए हैं उनमें पकड़े गए अधिकतर उइगर पाकिस्तानी मदरसों में तामील लेकर गए हैं। कहने वाले तो यही कहते हैं कि उइगर मुस्लिम ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट को फंडिंग करने में पाकिस्तान के मुल्लाओं की अहम भूमिका है, क्योंकि उइगरों तक पहुंच रहा फंड तुर्की से पाकिस्तान के द्वारा इनको भेजा जा रहा है, जिसके बाद यह संगठन काफी मजबूत हो गया है। इस वक्त भारत भी इस्लामिक रेडिकलाइजेशन से गुजर रहा है, इसलिए चीन की स्थिति साफ साफ समझ में आती है। भारत में भी इस्लाम का वही रूप है जो चाइना में है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ बीबीसी और अल जजीरा जैसे चैनल आजाद हैं और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का फायदा उठाने में कामयाब है, जबकि चीन में मीडिया पर बंदिशों के चलते वहां की अच्छी बुरी कोई खबर बाहर नहीं आ पाती। पर राजनयिक संपर्कों की वजह से सरकारें सब कुछ जानती है। पाकिस्तान जानता है कि उसके संगठनों के तार उइगरों से जुड़े हुए हैं, इसलिए वह इस मुद्दे पर नहीं बोलकर अपना बचाव ही कर रहा है। चीन की समस्या यह है कि वह पाकिस्तान की तरफ एक उंगली उठाएगा तो दूसरी उंगली उसकी तरफ भी उठती है। बड़ी बात यह है कि उइगरों ने जिस तरह चीन में उत्पात मचाया है उससे बौद्ध समुदाय में ज्यादा घबराहट है। यहां पर इस्लाम के अनुयायियों के प्रति विचार और भावनाएं बदल रही हैं। साल 2009 के उत्पात में 176 से ज्यादा उइगरों को चीनियों ने ऊपर पहुंचा दिया था, जिसका मतलब साफ है कि इस्लाम के प्रति चीनी भी कठोर रुख अपना रहे हैं। अब चीन ने डिटेंशन सेंटर बनाकर उनकी उस सोच को ही बदल दिया जहां इंसान में इन्हें काफिर नजर आता है।
इनकी दाढ़ियां मुछवा दी गई है और जालीदार टोपी, बुरके और तहमंद खूंटी पर लटकवा दिए हैं। यहां तक कि इस्लामिक धर्म ग्रंथ कुरान को चीन अपने हिसाब से लिख रहा है। संभवतः चीन को यही लगता है कि असली मुसीबत की जड़ यही किताब है, क्योंकि विचार यहीं से प्रवाहित होते हैं और इन्हीं विचारों से रेडिकलाइजेशन का जन्म होता है। इसलिए जिन लोगों को चीन के उइगुर पर तरस आता है, उन्हें उसका दूसरा पहलू देखना भी जरूरी है, क्योंकि ये लोग किसी भी हालत में दया और भरोसे के काबिल नहीं है। पूरी दुनिया में अशांति की फसल में इन बीजों का सबसे अधिक योगदान है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।